साला ये दिल टूटा है ना, तब से सोच लिया है प्यार किसी से नहीं करूंगा, लेकिन खेलूंगा सबसे। बच के रे ना रे, मैं खेलना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। मैं खेलूंगा, आ जाओ। तो उम्मीद है वास कि आपके गुंचे दिल खुशियों से शराब होकर आपकी सिमित में ठीक होगी। दोस्तों, जैसे मैंने फिर टिकटॉकर्स का तवा लगाने के लिए टिकटॉक खोली तो पहले तो मेरे सामने बड़े अजीब अजीब नमूने आते रहे कि अचानक मेरे सामने एक ऐसा नमूना आया जिसकी बीवी भी प्रेग्नेंट हुई है, वो भी प्रेग्नेंट हुआ। और तेरा दिमाग तो ठीक है। उस बच्चे की खाला जन्नत मिर्जा और उस बच्चे का मामू एलेक्स भट्टी है। अच्छा, कन्फ्यूज हो गई हो ना, टेंशन नहीं लेनी, वीडियो देखो सब कुछ पता चल जाएगा। ओ पैन, तुम्हें देख के तुम गरीब नहीं लग रही, शदैन लग रही हो। अक्सर लोग तो प्यार मोहब्बत में या फिर अमीरी में पागल होते हैं, ये लगता है गरीबी में पागल हो गई है, या फिर शायद वो शाहिद अनवर जो कहता रहता है ना, गरीबो गरीबो गरीबो, बकवास बंद कर कुत्तिया। लगता है ये लड़की ही इसी को रिप्लाई दे रही है, $30,000-$20,000 दे दो। घर से थाने की बात करते हैं, जिन्हें अपनी बहनों के आशिक का पता है लेकिन कर कुछ नहीं सकते। हुए 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 स्वैग, हाथ में आईफोन है और मुंह नोकिया 3310, बल्कि चल छैया छैया। जरा सबर करो, ये चुंगड़ा तो कुछ भी नहीं है, मुझे इसका अबू भी मिल गया है, वो जरा चेक करो। अजीब जानवर है। ओए, मुझे चाचा जी को देख के घोड़ा याद आ गया, और आम कोड़ा नहीं, स्टाइलिश कोड़ा। चाचा जी ने खोता कटिंग करवाई हुई है, हालांकि ये कटिंग 2019 के बाद आनी बंद हो गई है। अच्छा, ये कटिंग टिकटॉक पे ही 2019-20 में उरूज पे थी। लाओ जी, ये मॉडल बनेगा। मैं तो कहता हूँ इसको गाजर बनाओ और मंडी में बेच आओ, ये मॉडलिंग का ऑडिशन हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है ये कमान से निकला हुआ तीर यहाँ पे सिर्फ टिकटॉक बनाने आया है। शाबाश, जो कहना है मुंह पे कहो, जो कहना है मुंह पे कहो। अब बंदा इसको कैसे मुंह पे कहे, दूर फिटे। वो जो वड़ने पे तुम लोग लगे हुए थे ना, तो ये वड़ने इसको कहते हैं। दिखाएं जी फार्म हाउस जो है, इसको कहते हैं। वैसे वाकई यार, ये यहाँ पे वड़ा कैसे, खंबा तो तकरीबन चारों तरफ से बंद है, ये अन्नीदा कहाँ से घुसा है, शायद ऊपर से आया, इधर साइड से कहाँ से घुसा है, मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। Now it's looking like a masterstroke. नहीं, वीडियो बनाने के चक्कर में लोटे में पानी पी गया, और ऐसा भी नहीं कि लोटा नया है, नहीं, इस्तेमाल शुदा है। मुझे उल्टी आ रही है। ओ यार, मैं कितने आ गया, उसको जाके पूछ। चाचा जी को देखो, पखीवास कबीले का वंश, यही लोग पहले ठीक थे, गुमनाम थे, मेहनत किया करते थे, बस रोटी की फिक्र होती थी, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि किसी ने इनको टिकटॉक का रास्ता दिखा, तो अब सारे किंग शिंग मुजरा क्वीन शुइन बांदर शांदर बने हुए हैं। अब मुझे नहीं लगता ये मोबाइल इन तीनों में से किसी का, ये मोबाइल पे वीडियो बनाने वाला इन तीनों से जानबूझ के ये बांदरों वाली हरकतें करवा रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उसकी वीडियो किसी तरीके वायरल हो जाए। बहुत ही घटिया और कमीना किस्म का आदमी है। नहीं, आप उपो बन जाए। अरे वाह, वो खाला और ये माँ बनने वाली है, और मजे की बात बताऊँ, इसके साथ जो बैठा है वो भी माँ बनने वाली है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि एक मर्द भी साथ प्रेग्नेंट होता है, एक अच्छा मर्द तो एटलीस्ट होता है। अच्छा, एटलीस्ट अच्छा मर्द तो प्रेग्नेंट होता है। और तेरा दिमाग तो ठीक है। ओ भाई ठीक है, तू बहुत अच्छा मर्द है, लेकिन पता नहीं क्यों ये मिसाल सुनने में अच्छी क्यों नहीं लग रही। एक तो ये ठुमके लगा लगा के फेमस होने वाले थोड़े से मशहूर क्या हो जाए, फिलोसोफर बन जाते हैं। मर्द भी प्रेग्नेंट होता है, अन्नी दिया तो बाप तेरी बीवी बनेगी, सही समझ लीजिए। ये असल में सोहबत का असर पड़ता है, टिकटॉक पे रह रहे के हर बंदे को भी औरत बनने का शौक। एक अच्छा मर्द तो एटलीस्ट होता है, जोक्स अपार्ट, लेकिन सही बताओ ये मिसाल सुनने में अच्छी लग रही है। ये चीज कैसे हो सकती है, मिसाल या फिलोसफी वही अच्छी लगती है जो सुनने में भी अच्छी लगे। ये क्या बात हुई, आदमी लोगों को कहता फिर मैं भी प्रेग्नेंट हूँ।
यार पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं, मकसद ही बस ये है बेचारों को बताना पड़ता है कि हम खुश हैं, हालांकि इनकी जिंदगियां तबाह हैं, इनकी जिंदगियों में कोई सुकून नहीं। मैं ये जिंदगी नहीं जीना चाहता यार। ये बस दिखावा है कि हम खुश हैं, और इनको देखने वाले बच्चे बुचुंगड़े निबे निबिया वो इनको आइडियल बना के बैठे हैं कि हम भी बड़े हो के हम भी शादी करके यही करेंगे। ओ या और ज्यादातर तो निबे निबिया बच्चे बुचुंगड़े इनकी लाइफ देख के हसद करते हैं या रश्क करते हैं कि काश हमें भी ऐसी लाइफ मिले। ओ भाई ये दिखावा है, ये एक सर्कस है, सर्कस में तमाशा देखने वाले तमाशाइयों को सर्कस अच्छी लगती है, जो बांदर या जानवर वगैरह तमाशा कर रहे होते हैं उनको अच्छा नहीं लगता। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो क्या सर्कस देख के आपने कभी ये कहा है कि काश मैं वो बांदर होता? तो फिर क्यों ये सो कॉल्ड शोहरत देख के आप कहते हैं कि काश हमारे पास भी ये शोहरत होती? खैर मुबारक, तुम्हारी गुर्दी नहीं दलवानी मैंने कसम से, बहुत लकी रहेगी मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। हाँ इसी की गुर्दी दिलवाना, बहुत खुश रहोगी, और जो कह रही है बहुत खुश रहोगी ही, जरा उससे तो पूछ लो वो खुश है पता नहीं। खैर ये छोड़ो, इन दोनों प्रेग्नेंट माओ ने अपने इस बच्चे के मामू को भी कॉल की है, और वो पता है कौन है? माशाल्लाह मुबारक हो, बहुत ज्यादा मुबारक हो आप लोगों को यार, बहुत खुशी हुई मुझे सुन के, बहुत खुशी हुई मुझे सुन के, माशाल्लाह। वो जिस तरह दरवाजे पे आके खुशरे नहीं करते, वे मुबारक। इन दोनों प्रेग्नेंट माओ के मुताबिक ये एलेक्स भट्टी ही इस बच्चे का मामू है। एलेक्स मैंने कहा, सनी एलेक्स मामू बनेगा और ओबी बनेगा, ओबी फूफा बनेगी। ज्यादातर बच्चों के लिए उसका मामू बड़ा आइडियल होता है। इन दोनों का बच्चा क्या कहेगा, मेरा मामू खुशरा जिसका मामू एलेक्स भट्टी हो और खाला जन्नत मिर्जा हो, ऑफ कोर्स वो बड़ा होके किसी मशहूर यूनिवर्सिटी में ही दाखला लेगा, और वो है यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब। तो अगर तो वो पढ़ने वाला बच्चा हुआ तो ये बन जाएगा। और अगर पढ़ाई में अच्छा ना हुआ तो ये बन जाएगा। यार देखो ये जितने भी तमाशे करते रहते हैं इनको ना इसी में खुशी मिलती है, जबकि सर्कस वाली रियलिटी में आपको बता चुका हूँ, इसलिए कभी भी ये बनने की ख्वाहिश मत करना। मैंने अभी जरा और भी डेली व्लॉगर्स का तवा लगाना था, डाटा अभी भी मेरे पास पड़ा है, लेकिन वीडियो की लेंथ इन्हीं पे पूरी हो गई है। तो ऐसा करते हैं नेक्स्ट वीडियो मेन चैनल पे आएगी। ओए होए ओए हाय, अभी तो चासानी वैसे शुरू हुई थी यार। खैर कोई नहीं, इस वीडियो को लाइक करें, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें, और अगर आप पहली दफा तशरीफ लाए हैं तो सब्सक्राइब के बटन को प्यार करें, ठीक है ना? ओके फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड खुदा हाफिज़।